बॉलीवुड का सस्पेंस और हम आपको बताते हैं कि एक तरफ बॉलीवुड की मस्तियां चलती हैं तो दूसरी ओर बॉलीवुड के पीछे या फिर खुलेआम भी बॉलीवुड में रोमांस और प्रेम पसंद चलता है। जैसा कि आपने देखा कि 2018 में दीपिका रणवीर और प्रियंका की शादी के बाद कई बॉलीवुड कपल्स ने बना लिया है अपना मूड शादी का। वे जल्द ही 2019 में या तो नवरात्रि के बाद या दिवाली के बाद शादी कर सकते हैं। आइए देखिए कुछ खास साझा तस्वीरें कि कौन कौन से कपल बॉलीवुड में जल्दी शादी कर सकते हैं और 2019 में नाम बना सकते हैं कि हम लोगों ने फाइनली 2019 में शादी कर ली है। वैसे तो अभी देव रणवीर और प्रियंका एक जो काफी फेमस चल रहे हैं शादी के बाद, तो क्या ये कपल भी फेमस होंगे शादी के बाद? क्या लोगों द्वारा इन कपल्स को भी पसंद किया जाएगा? देखिए इस खास रिपोर्ट में और इन तस्वीरों में कि कौन कौन शादी करेंगे 2019 में। जैसा कि आपने देखा 2018 में दीप वीर और निक जोनस प्रियंका को लोगों ने काफी पसंद किया और इनकी शादी के बाद कई बॉलीवुड सितारे रहे जिन्होंने फाइनली 2019 में शादी का सोच लिया है। और आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से सितारे हैं जो कि 2019 में परिणय के सूत्र में बनने वाले हैं और जिन्होंने फाइनली दीप वीर और निक प्रियंका के बाद सोच लिया है कि हम लोगों को भी अब फाइनली शादी कर लेनी चाहिए। हम बात करेंगे सुष्मिता सेन की जो कि बॉलीवुड की काफी जानी मानी एक्ट्रेस रही है जो कि शादी करने जा रही है रहमान से। वही रहमान सुर्खियों में आप देख सकते हैं और इनके साथ सुष्मिता सेन की काफी साझा तस्वीर है। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की तो सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों जैकलिन के साथ काफी नजर आ रहे हैं और इन्होंने भी फाइनली सोच लिया है कि अब मुझे जैकलिन से शादी कर लेनी चाहिए। वही दूसरी हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की जिन्होंने काफी फिल्में की है कृति के साथ, तो उन्होंने भी फाइनली सोच लिया है कि 2019 में सुशांत सिंह और कृति सैनन सो एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। वही एक और रणबीर सिंह और आलिया भट्ट काफी सुर्खियों में हैं और 2019 तक वे भी शादी कर सकते हैं। और एक और हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की जो कि बंटी सचदेवा से शादी करने वाली है। अब देखना यह है कि क्या सोनाक्षी, क्या रणबीर, क्या सुशांत, क्या सिद्धार्थ शादी करते हैं 2019 में। वही एक और हम बात करेंगे वरुण धवन की तो वरुण धवन इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ काफी नजर आते हैं और 2019 में वे भी शादी कर सकते हैं। वहीं एक और श्रद्धा कपूर और आदित्य राय कपूर दोनों को बॉलीवुड में काफी नजर आएंगे और ये लोग भी 2019 तक शादी कर सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे अश्मिता पटेल जो कि बहुत जानी मानी एक्ट्रेस है जो शादी कर सकती है महक चाहल से। तो देखना यह है कि 2019 में इन 8 बॉलीवुड कपल्स में से कौन बनता है परिणय के सूत्र में और कौन साबित होता है अच्छे कपल के तौर में। तो ऐसी बॉलीवुड जानकारियों के लिए बने रहिए ghamasan.com के साथ। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.